थाना मुरादनगर गाजियाबाद पुलिस द्वारा शबाना और शमशाद की हत्या का 48 घंटे के अंदर किया पर्दाफाश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के आदेश अनुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान एएसपी क्षेत्र अधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन में अपराधियों का अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा 3 ऐसे अपराधियों को पकड़ा गया है जो 29 व 23 जनवरी 2019 की रात्रि में शबाना और शमशाद की हत्या करने के उपरांत फरार थे। के अंदर ही इसको वर्कआउट किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और हालांकि बरामद किया गया है और ये तीनों की मामला ये हमने आया कि मृतक से एक जो मेन अभियुक्त है उसका 1 माह पहले करीब ऑटो में बैठे थे तो उसने कुछ आरोप लगाया इस पर और पब्लिकली शिकायत करी थी जिसके कारण इसने हत्या की योजना बनाई और उसको ट्रैक किया कि कहां तक वो जाता है, उसके घर का पता किया और उसका नंबर लेके उससे कॉल भी किया, समय लिया मिलने का और उसी समय ये सुनियोजित ढंग से तीनों लोग गए और उसको गोली मार दिया। सर, क्या जो आरोप लगाए गए थे उस पर छेड़छाड़ के, सही थे या झूठे आरोप लगाए थे? ये इस संबंध में तो और जांच की जाएगी लेकिन अभियुक्त ने आरोपी एक आरोपी पॉलिटेक्निक का छात्र बता रहा है अपने को और 2 12वीं तक पढ़े हुए उसके बाद छोड़ चुके अपने काम करते हैं। ये तीनों आपस में रामनगर में रहते हैं और पुलिस ने जब हत्या का कारण अपराधियों से पूछा तो अभियुक्त हिमांशु उर्फ हर्ष ने बताया कि अब से करीब 1 माह पूर्व मेरा शबाना और शमशाद से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था जिसने मुझे पब्लिक के बीच में पीटा व बेइज्जत किया था और हिमांशु को ये बेइज्जती इतनी नागवार गुजरी कि इन तीनों ने मौका पाकर शबाना और शमशाद की उसके कमरे डागर विहार कॉलोनी मुरादनगर गाजियाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तो आला कत्ल तमंचा 32 बोर 2 खोखा कारतूस सहित घटना के समय पहले कपड़े पहने कपड़े बरामद हुए हैं।